हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियाफोर्स एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं हम, फिर उसमें एफ थ्रस्ट जो फोर्स होता है, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, सारे हाइड्रोस्टेटिक जो प्रिंसिपल होता है सब पढ़ेंगे, जो कि नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं उसके अनुसार। तो हाइड्रोस्टेटिक क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। हाइड्रोस्टेटिक और डायनामिक्स दोनों एक ही चीज़ होती हैं। हाइड्रोस्टिक होता है ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की स्टडी को ही क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्टेटिक। और कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स केवल लिक्विड को फ्लूइड्स नहीं बोलते, फ्लूइड्स उनसे कहते हैं जो बहता है, हवा को हम फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे स्थान पर बहती है। तो गैस हो या फिर चाहे कोई लिक्विड हो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बहता है ना, तो बहते हुए कोई फ्लूइड कहते हैं। जो चीज़ बहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड्स। ठीक है। इज द सब्सटेंस विच बिगिंस फ्लो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैसेज हैं जो दोनों फ्लूइड्स हैं। अब लिक्विड इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब उस पर जो, जैसे मान लो ये यहाँ पे है, तो इसके चारों तरफ नॉर्मल फोर्स इक्वल हो। जब ये क्या आता है, रेस्ट में आता है। कोई भी लिक्विड रेस्ट में जब आता है, जब उस पर चारों तरफ जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, जब बिल्कुल जीरो हो, इक्विलिब्रियम में हो, टोटल फोर्स उस पर जीरो हो, तो ये क्या आता है, रेस्ट में। अब लिक्विड्स पर प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम प्रेशर कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इसकी यूनिट होती है, और पास्कल कहते हैं हम इसे, ऐसा यूनिट। थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड क्या होता है, ठीक है, थ्रस्ट होता है, कई बार पूछा जाता है कि थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट सिंपल सा होता है, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। ठीक है। थ्रस्ट को प्रेशर नहीं कहते, थ्रस्ट को फोर्स कहते हैं। अप थ्रस्ट यानी ऊपर लगने वाला फोर्स, डाउन थ्रस्ट यानी नीचे लगने वाला फोर्स। तो थ्रस्ट का कई बार पूछा गया है यूनिट एंड डायमेंशन दोनों, तो कई प्रेशर की करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब पढ़ते हैं एनरोइड बैरोमीटर। एंड्रॉइड बैरोमीटर क्या होता है, देखो आपको एक बात होता है, तो एक होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.103 × 10^5 पास्कल। ठीक है। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर में 1 × 10^5 पास्कल होता है अप्रोक्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है बार बार। पास्कल ला क्या होता है, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट लिक्विड एट रेस्ट इज सेम। पास्कल ने क्या कहा था कि लिक्विड के एवरी पॉइंट पे जो प्रेशर क्या होगा, अगर सेम होगा तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। मान लो ये कोई लिक्विड है ना, तो इसके हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है। ऊपर इस पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट है, तो इस पर इस तरफ के लिक्विड, इस तरफ के लिक्विड, नीचे से लिक्विड और ऊपर से लिक्विड, ये इस पर फोर्स सेम रहेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बात कही थी पास्कल ने। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर क्या कहता है, कि व्हेन ए प्रेशर इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सबमिटेड इक्वली एंड ऑल अदर पॉइंट्स। देखो कोई बर्तन है, आप इस पॉइंट पे प्रेशर लगाते हो। अगर आपने इस पॉइंट पे प्रेशर लगाया, तो ये प्रेशर चारों डायरेक्शन में बराबरी इक्वली सबमिट हो जाता है ना। उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। तो लिक्विड में क्या होता है कि एक पॉइंट पर प्रेशर लगाओगे, तो प्रेशर चारों दिशाओं में अपने आप बट जाएगा, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर कहते हैं उसे। ये देखो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस प्रेशर की है, सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट है, उसमें क्या करते हैं, ऐसा सा होता है, तो इधर अगर मान लो हमने कार को भी खड़ी कर दी, इधर से हम थोड़ा सा भी अगर उस पर प्रेशर लगाएंगे, तो ये प्रेशर है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहीं पे भी लगेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर और बर्मा प्रेशर। हाइड्रोलिक ब्रेस जो गाड़ियों में लगते हैं, आप तो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक लगाते हो, लेकिन वो पूरे टायर पे एक समान प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी। हाइड्रोलिक जैक होते हैं, उसका भी मेन जो प्रिंसिपल है यही है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन। यानी ये जो एक चीज़ और है, जो ये चारों चीज़ें हैं ना, परीक्षा में पूछी जाती हैं कि हाइड्रोलिक किस पर बेस है, तो पास्कल ला पे।
हाइड्रोलिक प्रेशर पास करला पे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स पास करला पे और हाइड्रोलिक जैक पास करला पे है हाइट ऑफ एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की हाइट क्या होती है, दे रखी है इतनी है ना, 7951 मीटर यानी 8 किलोमीटर के समथिंग। अब थ्रस्ट, यहाँ वाटर थ्रस्ट किसे कहते हैं कि कोई भी, जैसे ये पानी है, इसमें आप अगर मान लो कोई ब्लॉक है उसको नीचे दबाते हो तो ये पानी वापस उतना ही फोर्स लगाता है, इसे अपवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली एंड होली इन ए लिक्विड एट रेस्ट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। जब भी किसी बॉडी को हम पानी में डालते हैं तो वो अपना कुछ वेट लॉस कर देती है, और जो वेट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा, ये पानी है तो ये बराबर होगा जितना ये पानी इसने डिस्प्लेस किया है, यहाँ से जितना पानी ये यहाँ पे डिस्प्लेस्ड किया है उसके बराबर होगा ये। चलो दोबारा देखो आप, मान लो ये है लिक्विड है यहाँ पे, तो इसका, इस जो ब्लॉक है इसका कुछ वेट कम होगा, और वो वेट कितना कम होगा, जो पहले यहाँ पे पानी था ना उसके बराबर कम होगा उसका वेट, समझ गया। जिस तरह इसने पानी डिस्प्लेस करेगा वहाँ से हटाएगा उसके बराबर इसका वेट लॉस होगा, ठीक है। तो वेट लॉस कितना हो गया, ठीक, यानी जितना एम जी उसका है माइनस में जो पानी का था वो। फ्लोटेशन लॉ क्या कहता है कि भाई कब बॉडी फ्लोट करेगी, कब डूबेगी, कब ऊपर रहेगी, ये सब फ्लोटेशन लॉ के अंतर्गत आता है, ये हम कल पढ़ेंगे, तो ये हमारा कंटिन्यू कल रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए।